अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99 पर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ एक टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेटर ऑन हम उन पर बात करेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की चंद एक बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इटसेल्फ केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है, केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ठीक है। इस पर हम एक डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली आपको याद हो कि आपने थर्मोडायनामिक पढ़ा है, ठीक है। थर्मोडायनामिक जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके लिए बड़ा ईजी है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी और फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में भी हमारे यहाँ ये चैप्टर मौजूद है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक को अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थर्मोडायनामिक हमें रिएक्शन की बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कि किसी भी रिएक्शन के बारे में ये बताना कि वो रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा, मीन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये हमें कहाँ से पता चलता है? थर्मोडायनामिक से पता चलता है। लेकिन थर्मोडायनामिक हमें उस रिएक्शन की स्पीड से, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अगर हम थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि एट 25 डिग्री ये रिएक्शन फीजिबल है। लेकिन ये आम ऑब्जर्वेशन की बात है कि इन दोनों गैसेस को रूम टेम्परेचर पे अगर हम कंबाइन करके रख दें, तो हजारों साल इसको रखा रखे, कंबाइन करके रख दें, दोनों को एक कंटेनर में रख दें, इनसे कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन पे हम इसमें प्लैटिनियम यूज करें, इफ वी यूज प्लैटिनियम, अगर हमने इस रिएक्शन के लिए प्लैटिनियम यूज किया, ठीक है, तो ये रिएक्शन इसी टेम्परेचर पे फेवरेबली प्रोसीड हो जाएगा। इन सिमिलर मैनर देखें कि अगर मैं बात करूं, आमतौर पर हमारे घरों में आपने देखा होगा कैंडल, मोमबत्ती पड़ी रहती है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने घर में लाके कबर्ड में या टेबल पे मोमबत्ती रखी हो, कैंडल रखी हो, खुद ही बर्निंग स्टार्ट हो गई हो, ऐसा कभी आपने नहीं देखा। क्यों? कि उसको बर्ने के लिए, उसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। इसी तरह देखिए, इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है जब ये बर्निंग स्टार्ट करती है, ठीक है। इन सिमिलर मैनर अगर हम देखें, हमारे घरों में फ्यूल के तौर पर जो गैस यूज की जाती है, दैट इज CH4, मीथेन गैस, नेचुरल गैस जो चूल्हों में हम यूज करके फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आप घर में चूल्हे को ओपन करें, उससे गैस बाहर आए, हवा से या सराउंडिंग से ऑक्सीजन आए और खुद ही बर्निंग स्टार्ट हो गई हो। कभी भी ऐसा नहीं हो। आप भले एक रूम को क्यों ना उस गैस से भर के रख दें, लेकिन कभी भी खुद ऐसा नहीं होगा कि उस गैस और ऑक्सीजन, यानी कि नेचुरल गैस और ऑक्सीजन की खुद ही बर्निंग स्टार्ट हो जाए। इन सिमिलर मैनर अगर हम देखें, आयरन Fe, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, ठीक है। आयरन को अगर हम देखें, आप ओपन एयर में रखें या ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करते रहें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीजें आयरन से बनाई गई होती हैं, लेकिन आपने देखा हो कई सालों बाद जाके आयरन पर रस्टिंग आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन अगर हम उसको दे रहे हो फिर रस्टिंग जल्दी आती है, लेकिन अगर आमतौर पर पड़ा हो तो फिर उसमें रस्टिंग नहीं आती। इट्स मीन आयरन बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन इसी कंडीशन पे अगर हम फास्फोरस को लें,
स्पेशली वाइट फॉस्फोरस, दिस रिएक्ट वायलेंटली विद ऑक्सीजन. हम ये क्या कहेंगे, फॉस्फोरस रिएक्ट वायलेंटली विद ऑक्सीजन. अब देखिए कंडीशन सेम है, लेकिन अब इन सारे रिएक्शन को अगर आप देखें, दीज ऑल आर रिएक्शंस विद ऑक्सीजन. ये इन तमाम केमिकल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, लेकिन सेम कंडीशन पे हर रिएक्शन का जो बिहेवियर है दैट इज डिफरेंट. इट्स मीन हर रिएक्शन की स्पीड, हर रिएक्शन का प्रोसीड होने का मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है. सिमिलरली देखें, अमूमन रॉकेट फ्यूल, आपने ये टॉपिक भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, थ्रस्ट के लिए कि जो रॉकेट्स होते हैं उनको फ्यूल की बर्निंग से थ्रस्ट, प्रॉपर थ्रस्ट मिलता है जिससे वो प्रोपेल हो जाता है, यानी कि हवा में चला जाता है. ठीक है, तो उसको जो थ्रस्ट मिलता है दैट शुड बी प्रॉपर, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड लिमिट. वो इतना होना चाहिए कि जितना उसको प्रोपेल कर सके. अब अगर ये जो फ्यूल की बर्निंग से इतना एक्सप्लोसिव थ्रस्ट उसको मिले कि वहां पर एक एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाए, तो वो एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है. इट्स मीन कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. दैट इज नंबर वन, स्पीड. देखिए जैसे मैंने फ्यूल, रॉकेट फ्यूल की बात की कि उसमें जब फ्यूल बर्न करेगा तो उसकी स्पीड ऑप्टिमम होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए वो होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसे फास्ट रेट के साथ, एक ऐसी स्पीड के साथ ब्रस्ट करे कि वहां पर एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाए. तो इट्स मीन किसी भी रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, स्पीड. और स्पीड के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है रेट. इसको बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेट का क्या या स्पीड का क्या मतलब है. ठीक है, थर्मो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में. ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन. दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसी भी रिएक्शन को प्रॉपरली प्रोसीड करने के लिए, उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, वो किस वे में प्रोसीड हो रहा है. दीज टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन. तो केमिकल काइनेटिक्स का बेसिकली यही मकसद होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ, कितने रेट के साथ प्रोसीड हो रहा है और उसका मैकेनिज्म क्या है. तो आई थिंक यहाँ पे अब हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है. तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड और मैकेनिज्म को स्टडी करती है. तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख भी लेते हैं अपने पास कि आप इसको यूं लिखेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर इकोनॉमिकली प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, लेबोरेटरीज में प्रॉपरली प्रोसीड करवाने के लिए हमें उसकी दो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है, आस और उस रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का बेसिकली यही दो मकसद होते हैं कि हाँ किसी भी रिएक्शन की स्पीड को देखा जाए, ठीक है, और उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा जाए. आई होप ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है. नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद बेसिक डेफिनेशन, जो केमिकल काइनेटिक्स के मेन टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होंगी, उन पर हम बात करेंगे. सो फॉर इट इज़ इनफ. थैंक यू वेरी मच.